तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी 25,000 से लेकर 30,000 के अंदर एक स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो, यानी अंडर 30,000 रुपीज़ अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन बाई करना है ना, तो आज की वीडियो बिल्कुल बेस्ट हो जाती है आपके लिए। शायद आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो हे गाइस, मैं उसी उम्र, आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, देखो यार, जब भी एक कस्टमर स्मार्टफोन बाई करने जाता है, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो उस फोन के अंदर ना सबसे पहले उसकी डिस्प्ले या फिर डिजाइन या फिर कैमरा या फिर बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस के साथ में और अभी के टाइम पे 5G कनेक्टिविटी भी देख रहे हैं। सो ऐसे में गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 फोन्स बताने वाला हूं, जहां पर अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट हो जाते हैं। और गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक परफेक्ट सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन की, जहां पर अगर आपको फ्रंट कैमरा बहुत ही कमाल का चाहिए, बैक कैमरे से आपको कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फोटोज क्लिक करनी है, और साथ में फोन काफी स्लीम चाहिए, काफी हल्का लाइटवेट स्मार्टफोन चाहिए, तो आपके लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन हो जाता है, जो कि 30,000 के अंदर आता है वीवो की तरफ से, वीवो का V21 स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन के साथ में ना 5G कनेक्टिविटी भी मिलती है, जहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U चिपसेट दिया गया है, जो कि इस प्राइस के ऊपर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। इसके अलावा इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, वो इस फोन का कैमरा। फ्रंट या फिर बैक में देखे तो कैमरा कमाल का है, जैसे 44 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, और साथ में OIS का सपोर्ट मिलता है फ्रंट में और बैक में भी मिलता है। तो गाइस, जब भी आप फ्रंट से वीडियोस रिकॉर्ड करोगे, फोटोज क्लिक करोगे, आपको बहुत ही कमाल की स्मूथ वीडियोस दे देगा, मतलब एक सेकी मोड में भी कमाल की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ में बैक साइड में भी ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसके साथ में भी OIS का सपोर्ट मिलता है, और भाई कैमरा के अंदर आपको वीवो के वी सीरीज के अंदर भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट चाहिए, आपको डेप्थ वाली वीडियोस चाहिए, नाइट में आपको काफी ब्राइट वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, चाहे बात करें डुअल व्यू वीडियो मोड वाले फीचर की या फिर ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर की, तो इस फोन के अंदर आपको भर भर के दी गई है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, मैं आपको ये फोन पर्सनली सजेस्ट करूंगा। वीडियोस इमेज के लिए काफी कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है, लेकिन इस फोन की जो डिजाइन है, वो भी इस फोन का एक बहुत ही कमाल का पॉइंट बन जाता है। जैसे इस फोन को काफी लाइटवेट बनाया गया है और इसके अंदर बैटरी ना कम रखी गई है, इसके वजह से 4000mAh की ही बैटरी मिलती है। जहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है, जहां पर आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो डिस्प्ले के अंदर कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, इसका रीजन है इसका 44 मेगापिक्सल वाला कैमरा, जहां पर आपको ऑटो आई फोकस का फीचर देखने को मिलता है, तो इसके वजह से वाटर ड्रॉप नॉच कंपनी ने दे दिया है। तो अगर आपको भी एक लाइटवेट डिवाइस चाहिए, 5G कनेक्टिविटी के साथ में कैमरा ऑप्शन चाहिए ना, आपके लिए कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है वीवो का V21 स्मार्टफोन। लेकिन भाई, अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू वाला स्मार्टफोन चाहिए और आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा कमाल का यूआई चाहिए, तो आपको जाना चाहिए इस स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है OnePlus का नॉट 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको ये स्मार्टफोन काफी अग्रेसिव प्राइस पर देखने को मिल जाता है, और ऑफर्स वगैरह में आप इसे 26 से 27 या फिर 25 के बीच भी बाई कर पाओगे, जहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G इनेबल्ड चिपसेट है, और इस प्राइस के ऊपर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। साथ में डिस्प्ले आपको 6.44 इंच की मिलती है, जो कि एक एमोलेड पैनल है, और यहां पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है, तो एक बैलेंस डिस्प्ले हो जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है। साथ में डिस्प्ले के अंदर डुअल पिक्सेल के अंदर दो सेल्फी कैमरास दिए गए हैं 32+8 मेगापिक्सल के, लेकिन बोलूंगा यहां पर वीवो V21 से अच्छे कैमरास नहीं है। हालांकि रियर साइड में भी आपको क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्राइमरी लेंस, जो कि सोनी का आने वाला 582 सेंसर है, बट यहां पर गाइस आपको OIS का सपोर्ट केवल बैक में ही मिलता है, वीवो V21 जैसा फ्रंट में नहीं मिलता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इस फोन के साथ में आपको बैटरी भी ठीक ठाक मिलती है, 4115mAh यानी 4115mAh की बैटरी मिलती है। सो गाइस, आप इस स्मार्टफोन को ऑफर्स में डेफिनेटली बाई कर सकते हो, जहां पर आपको कम प्राइस के ऊपर एक अच्छी 5G चिपसेट देखने को मिल जाती है, ऑक्सीजन ओएस का गुडनेस देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल एक डिसेंट सा ओवरऑल फोन देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस, आगे बढ़े ना और बात करें अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। सो ये एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है, बोलूं ऑलराउंडर स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में, जो कि आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन, जहां पर आपको दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट। और ये जो डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट है ना, ये क्वालकॉम के 8 सीरीज के चिपसेट के करीब में आ जाता है, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जो चिपसेट है, 860 चिपसेट है, इनके काफी करीब में आता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कमाल की मिल जाएगी 5G कनेक्टिविटी के साथ में। इसके अलावा डिस्प्ले भी कमाल की है, 6.55 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, और 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में पंच होल कटआउट के साथ ये डिस्प्ले आता है। इन डिस्प्ले
डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, तो डिस्प्ले में भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो कैमरा है वो भी कमाल का है, क्वाड रियर कैमरा है, प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 4500 mAh यानी 4500 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 65 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो ओवरऑल एक लंबी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी डिस्प्ले और कमाल की परफॉर्मेंस के साथ में ये फोन आता है। और भाई अगर आप इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हो ना तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो, मैं बोलूंगा एक ऑलराउंडर फोन हो जाता है। लेकिन गाइस अगर बात करें गेमिंग स्मार्टफोन की तो इस प्राइस के ऊपर आपको एक कमाल का स्मार्टफोन देखने को मिलता है जो कि आता है Xiaomi की तरफ से, जो कि है Mi 11X स्मार्टफोन, जहां पर आपको परफॉर्मेंस कमाल की मिलती है। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट दिया गया है, जो कि एक 5G चिपसेट तो है ही, परफॉर्मेंस आपको कमाल की दे देगा। और भाई 8 सीरीज का चिपसेट है तो आप समझ सकते हो कि परफॉर्मेंस कितनी कमाल की हो जाती है। यहां पर आपको डिस्प्ले भी कमाल की मिलती है, 6.67 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी गई है। यहां पर आपको E4 एमोलेड स्क्रीन मिलती है जो कि सैमसंग का लेटेस्ट पैनल है। और गाइस यहां पर आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, हालांकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है सिक्योरिटी के लिए। ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली कमाल की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जिस फोन का कैमरा है वो बोलूंगा डिसेंट सा है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, जो प्राइमरी लेंस है वो है 48 मेगापिक्सल का। और इस फोन को कैमरा के लिए नहीं बनाया गया, बेसिकली ये फोन का जो मेन फोकस है वो है गेमिंग, सो कैमरा आपको डिसेंट मिलेगा, जहां पर आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 4520 mAh यानी 4520 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपका प्राइस 30,000 है और अगर आपको एक गेमिंग फोन बाई करना है तो आप Mi 11X 5G को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं बोलूँ कि अगर आपको इसी प्राइस के ऊपर एक और जबरदस्त गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलता है और इस प्राइस के ऊपर एक बोलूंगा एक चैंपियन स्मार्टफोन की बात करें ना, तो वो आता है iqoo की तरफ से रिसेंटली लॉन्च iqoo 7 स्मार्टफोन, जो कि आपको ऑफर्स वगैरह मैंने कंफर्मली 30,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और भाई मैं आपको स्मार्टफोन पर्सनली सजेस्ट करूंगा, मैंने इस स्मार्टफोन को पर्सनली यूज किया तो कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिला। यहां पर भी आपको वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट बिल्कुल सेम मिलता है Mi 11X 5G वाला ही, लेकिन भाई यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है और डुअल चिप दिया गया है ना, डिस्प्ले के लिए अलग, परफॉर्मेंस के लिए अलग, वो बहुत ही कमाल की चीज है भैया। यहां पर आपको गेमिंग कमाल की करवा देगा। LPDDR5X रैम दिया गया है, UFS 3.0 स्टोरेज टाइप दी गई है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है वो भी कमाल की मिलती है, 6.62 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड पैनल के साथ में आती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट इस फोन के साथ में मिलता है, तो डिस्प्ले के अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी है iqoo ने। बात करें कैमरा की तो बैक साइड में यहां पर भी ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन यहां पर 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में OIS का सपोर्ट मिलता है जो कि Mi 11X के अंदर नहीं मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। तो गाइस ये गेमिंग स्मार्टफोन है, यहां पर कैमरा पर मेन फोकस नहीं किया गया है, बट ओवरऑल iqoo 7 का जो कैमरा है वो मैं बोलूंगा इस प्राइस के ऊपर कमाल का देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस के साथ में। इसके अलावा जो बैटरी है वो भी कमाल की देखने को मिलती है, 4440 mAh की बैटरी, 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस प्राइस के ऊपर। ओवरऑल गाइस अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, डिस्प्ले कमाल का चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है iqoo की तरफ से iqoo 7। तो बस यार आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और अगर फाइनली अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आपको बता दूं, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा है, आपको इस प्राइस के ऊपर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं बोलूंगा vivo V21 5G स्मार्टफोन से बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बाकी गाइस अगर आपको ऑक्सीजन OS की गुडनेस चाहिए, डिस्प्ले, ओवरऑल जो एक ऑलराउंडर सा पैकेज चाहिए ना, और कम प्राइस के ऊपर जो कि आपको सेल वगैरह में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, तो OnePlus Nord भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन भाई अगर आपको एक अच्छा सा ना ओवरऑल पैकेज चाहिए, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, कैमरा भी अच्छी मिले, डिस्प्ले भी अच्छी मिले, सब कुछ अच्छी मिले, तो भाई उसके लिए Realme X7 Pro डेफिनेटली कमाल का ऑप्शन है। लेकिन गाइस अगर आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग है, तो Mi 11X को ना बाई करके iqoo 7 स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो बस यार आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए और आपने एक फोन चूज कर लिया हो, लेकिन अभी भी आपके डाउट्स बने हुए हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, हर एक कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूं। बाकी अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ऐसे ही आने वाले लोगों में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।